देखो जब 11वीं पढ़ाई जा रही थी ना, एक मैं सच बात बता रहा हूँ, ठीक है, जब हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं ना, उस समय हमें लगता है कि भाई सब आने दो, सब आने दो, हमें सब कुछ बहुत गहरा जानना है, ठीक है, उसी समय की जिज्ञासा होती है। लेकिन जब चैप्टर खत्म हो जाता है, वो जिज्ञासा भी खत्म हो जाती है, और उस जिज्ञासा के चक्कर में, लड़की नहीं है, ठीक है, हाँ जिज्ञासा, हाँ ठीक है, जिज्ञासा के चक्कर में आपका ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते थे, आप उसको कॉम्प्लिकेट करके अपने दिमाग में बैठा लेते हो। एक कंसर्न्ड बंदा होके, या फिर कहना कि एक फोकस बंदा होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है फोकस मतलब सारा पढ़ लूंगा भाई, तो सारे क्वेश्चन लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता। फोकस मीन्स आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं, आप मैच्योर हैं इनफ टू एनालाइज कि व्हिच थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना जानते हैं। कोई भी सिंसियर बच्चा होता है ना, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रास्ते से ना अपना जो चीज पानी होती है वो पाई लेता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो ये हो सकता है कि यस, एक गाइडेंस के साथ जो चीज उसको पानी है वो कम समय में कम मेहनत के साथ थोड़ा सा मोटिवेटेड होके कर सकता है, बस ये डिफरेंस आता है एक टीचर का, क्योंकि टीचर थोड़ी ना आपके एग्जाम में जाके सॉल्व करेगा क्वेश्चन, टीचर थोड़ी ना क्लास खत्म होने के बाद चेक कर पाएगा कि आप सही में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, वहां पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आएगी। और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, जब ये लेक्चर खत्म हो जाता है, भले वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, जो आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम देते हो, उसमें आप कितनी अच्छी नीयत से पढ़ते हो, कितनी ईमानदारी से पढ़ते हो, वो ही आपकी रैंक डिसाइड करता है, वो ही आपकी रैंक डिसाइड करता है। तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, पुराने जितने भी टॉपिक्स हैं, समय के साथ आपको सब चीजें आसान लगेंगी, समय के साथ आपको सब चीजें आसान लगेंगी, लेकिन बस बात वही है, अगर आप मेहनत करोगे तो वो समय थोड़ा सा पहले आ जाता है, ठीक है, वो समय थोड़ा सा आपको पहले ये फील होने लग जाएगा कि यस थिंग्स आर इन माय कंट्रोल और मैं यहां से कर ले जाऊंगा। आईआईटी तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान है, ठीक है, ये मेरा अपना मानना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी करता था, मैंने अब वो ये भी कहेंगे अच्छा ठीक है आपको लगता था ना आसान है तभी तो आपकी 5000 रैंक आई, कह भी सकते, लेकिन मैं उसमें कोई बुरा थोड़ी ना मानता हूँ 5000 रैंक, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं वहां तक पहुंच पाया क्योंकि मैं अपने आपको एक मीडियोकर स्टूडेंट मान रहा था 11वीं और 12वीं, ठीक है, क्योंकि 10th में 97% लाना के बाद आप ये तो नहीं मान सकते ना कि आप बहुत तेज हो। 11वीं में मेरे को हीट पता लगी कि भाई ये है भारी चीज, ठीक है, 12वीं में हीट पता लगी, कई टॉपिक्स हाथ से निकल गए, कई टॉपिक जाने दिए, कई टॉपिक में आलस कर दिया, हुआ ये, तो वो जो रैंक आई दैट वो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने बहुत चिल मोड में भी पढ़ा तो निकाल लिया। और मुझे आज क्या, पहले भी ये लगता था अगर मेरे साथ आईआईटी नहीं भी होती या मेरे पास आईआईटी का टैग नहीं भी होता, ठीक है, तब भी मैं शायद लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर नहीं होता, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर मेहनत करने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, और वो कभी भी नॉलेज का ना कभी घमंड किया है, हमेशा पाने का किया है कि भाई मिल जाए कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड होता है तो आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल बन जाओगे, हो सकता है उस पैरामीटर पे ना बनो, लेकिन यस हो सकता है कुछ नया पैरामीटर आपका डिसाइड हो, कुछ चीजें आप ये मान के चलिए कि कुछ चीजें लाइफ में आपको समझ आएंगी, भले वो इमोशंस हो, भले वो रिलेशंस हो, भले वो सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन अब ये नहीं कि नहीं आया तो बस छोड़ दो, ये तो वही था जो नहीं आना था ना। आपकी मेहनत हमेशा आखिरी तक यही होनी चाहिए कि भाई जितना समझ आ जाए जिंदगी के बारे में वही हमारा, देखा जाए तो इंसान की वो ही तो लाइफ साइकिल ही यही है ना, टू लर्न अबाउट द स्पिरिचुअलिटी थिंग्स और ये सारी चीजें कि आप इस धरती पर हैं क्यों, है ना। तो जब आप इस खोज में निकलेंगे तो आपको कई चीजें समझ आएंगी, कई चीजें नहीं आएंगी, आप बस पढ़ रहे हैं तो वो उसका एक प्रोसेस है।